ढाबे पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, राजस्थान के ट्रक ड्राइवर को लगी गोली। खरखौदा पिपली गांव में टोल के पास दिल्ली मार्ग पर स्थित एक ढाबे पर तीन नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें ढाबे पर खाना खा रहा एक ट्रक चालक गोली लगने से घायल हो गया। राजस्थान के घायल ड्राइवर करनाराम ने बताया कि वो नोएडा से राजस्थान अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे। इसी बीच के एमपी टोल प्लाजा के पास पीपली में खाना खाने के लिए त्रिवेणी ढाबे पर रुका। यह मामला सोमवार की रात लगभग 12 बजे का है, जिसमें घायल करनाराम ने बताया कि जब वह त्रिवेणी ढाबे पर खाना खाने के बाद अपने बिल के पैसे दे रहा था, उसी दौरान पीछे से तीन युवक आए जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें करनाराम को एक गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और घायल करनाराम को खरखोदा के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद घायल को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। वही ढाबा संचालक सोनू का कहना है कि उसने अपने मामा के लड़के नीरज के साथ पिपली खरखोदा में ढाबा खोला हुआ है। रात को करीब 12:30 बजे वह अपने साथी नीरज व हरमेंद्र के साथ बैठा हुआ था कि एक लड़का आया, आ सिगरेट की मांग की, मना करने पर वह चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह लड़का अपने दो अन्य साथियों के साथ आया। सभी के हाथों में हथियार थे, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर करनाराम, जो कि राजस्थान का रहने वाला था, जो उनकी गोली लगने से घायल हो गया, उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई। उसके बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए फायर किए और बाइक पर बैठकर दिल्ली मार्ग की तरफ भाग गए। फिलहाल पुलिस ने ढाबा मालिक की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। करनाराम बाड़मेर नोएडा से गुजरात। क्या सामान लिए हुए थे? खाली टैंकर है। यहाँ आके रुका, खाना खाया, पैसा कटा रहा था और पैसा कटा के वापस मुड़ा तो गोली लग गया था। उसके बाद मैंने किसने मारी, किसी को जानते हो? वो कुछ नहीं जानते हैं। कितना आदमी था? क्या कपड़े, मुंह बांधा हुआ था? काला कपड़ा ही था सबके। एक के पास तो दो गण थी, वो चला रहा था, बाकी का वो मेरे पीछे हाथ कहीं देखा नहीं। जैसे आप समय देखा था, हमने तीन जना फिर गए खरखोदा, पुलिस को दिया। पुलिस को शिकायत दे दी आपने? सर रात को टाइम था तकरीबन 12:15 या 12:30 एक के बीच में, ठीक है। तीन बंदे आते हैं, अनजान बंदे बाइक पे, तीनों ने मास्क लगा रखा मुँह पे और आगे कहते सिगरेट दे दे बड़ी गोल्ड प्लेट। वही हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो छोटी है। फिर वो वापिस लगे, दो मिनट के बाद वो वापिस आते हैं और हर तीनों के हाथ में पिस्टल है, वो फायरिंग करने लगते हैं। चार फायर तो मेरे ऊपर किए, ठीक है। हमारे ड्राइवर भाई साहब वो घायल हो गया, वो रोते पी जाए मेरे, उसका नाम करमा सिंह राजस्थान से, उन्होंने किए हो गए तकरीबन 12 या 13 राउंड। हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।